Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so naya backdrop. So I am at my friend's place. उसका बर्थडे है आज. डेट बज चुके हैं एंड सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ. 12 बजे मुझे खाना था लेकिन आ जाइए थोड़ा इधर ही हो जाओ शिफ्ट. तो ये फ्रेंड का बर्थडे नहीं है, ये अनामिका है. हाय अनामिका. मेरा अभी थोड़े दिन पहले वाली पोस्ट में डाला था इसने. हाँ. मैं हाँ. और जिसका बर्थडे है वो तो आने ही नहीं वाला ब्लॉग में, ठीक है. तो बेसिकली हम उसके घर आ गए हैं और हम 12 बजे से एक्चुअली निकली हुए थे क्योंकि हमें गिफ्ट विफ्ट सब इकट्ठे करना था. तो बेसिकली मैंने अब तक कुछ खाया नहीं है और मैंने और पीछे शोर शराबा हो रहा है दोस्तों. तो अभी हम ना सोच रहे हैं कि कुछ खाने जाएंगे बाहर और जिसका बर्थडे उसका कुछ प्लान ही नहीं है. मतलब उसने हमें बुलाया भी नहीं पर हम बेशर निकले के वहाँ गए. वो भी सो रहा था. हाँ लिटरली वो सो रहा था. हमने उठाया आके तो अब देखते हैं जहाँ भी जाएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे जो भी करेंगे आपको बता दूंगी. और क्या बोलना चाहते हैं आप? कहीं ले जाइए हमें, घर पे ना बिठाए. पोपट वाला ये हमेशा ये करते हैं. ओ डम्बल्स. काफी एक्सरसाइज करता हूँ लड़का. हाँ तो ये हमेशा ये करते ये हमेशा ये करते हैं. हमें घर बुलाते हैं घर बैठा देते हैं कि चलो घर पर ही कुछ मंगवा लेते हैं ये वो. तो हमने इस बार ठाना है बाहर ही जाएंगे. केक कटिंग सेरेमनी दिखाएंगे लड़के की. कीप वॉचिंग. हाय दोस्तों, ये रही हमारी बर्थडे पार्टी. फिलहाल मैं झूले झूल रही हूँ. और यार अगर आपके इस ऐसी कुर्सी में बैठे से झूलते ही रहते तो मुझे कमेंट में जरूर बताना. क्या प्लान है आपके इस कुर्सी को लेके? क्या आप इस घर ले जाना पसंद करेंगी? यही विचार के है कि मुझे यार ये रिटर्न गिफ्ट में दे रहे हैं. गिफ्ट लाए हो? और हमने इसका गिफ्ट आपके लिए करवाया. आपने भी वो तो आपका तो पैकेट ही है और मैंने भी करवाया. कहीं जाना हो बस ऐसा करो. तो दोस्तों आपको पता है इसको अगला क्या गिफ्ट भेजना है. अगर आपको भेजना है तो घूमने वाली कुर्सी. उसके बाद इसके ब्लॉग भी ऐसी रोटेटिंग बनेंगे. दोस्तों तो हम आए हैं कहाँ नैवेद्यम सुशांत लोग. हाँ तो हम आए हैं साउथ इंडियन फूड खाने. आज मैंने बैंग्स पीछे नहीं करे, ठीक है. ओके दोस्तों तो अब हम जा रहे हैं लिफ्ट में ऊपर. क्या पका रही हूँ ना मैं आप लोगों को. बता चुके बंदे पर चीजों से गया. सुबह से ना मैंने प्रॉपरली आप लोगों से बात ही नहीं करी एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट. तो बेसिकली आई नो ये व्लॉग बहुत ही छोटा होने वाला है. आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे था वो मैंने आपको बता ही दिया था. हम लोग गए थे नैवेद्यम, वहां पर हमने साउथ इंडियन फूड खाया था एंड उस जो मैंने आपको दिखाया था वही सब खाया था. एंड फिर हम आगे वापस उसके घर पर थोड़ी देर बैठे. उतने में इतनी भयंकर एक्चुअली जब हम उसके घर से निकले ना तब तक कोई बारिश नहीं थी एंड मैं एक्टिवा पे गई हुई थी उसके घर. सो मैं और मेरी फ्रेंड हम इकट्ठे निकले थे वहां से और जैसे ही हम गली के एक कॉर्नर तक पहुंचे इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई. लिटरली उस फ्रेंड ने अपने दूसरे किसी फ्रेंड को बुलाया जो कार पे आया था तो वो तो उसके साथ चली गई बट मैं इतनी भयंकर बारिश में एक्टिवा चलाकर आई हूँ ना बाय गॉड. मेरे बाल पूरे गीले हो चुके हैं, मैं पूरी गीली हो गई थी. हॉरिबल इट वॉज बट ठीक है, बारिश में फन आता है एक्टिवा चलाने में तो वो फन ले लिया मैंने अकेले. अभी 7 बज चुके ऑलरेडी. 7 बजे मैंने सोचा अब मैं आके खाना आराम से खा लेती हूँ. अगर मन किया तो 8 बजे के अराउंड में हल्दी वाला दूध पीकर सो जाऊंगी अगर नींद आ गई तो. मतलब थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करूंगी अदरवाइज आई डोंट नो. ऑल्सो कल राखी है, मैंने सोचा था मैं अपने नेल एक्सटेंशन करवाने जाऊंगी
लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा आसार कि जा पाऊंगी। बारिश अगर रुक गई होगी तो भी मेरा 1% इतना मन है ना कि मैं जाकर करवा लूं, बट आई डोंट नो। खाना खाती हूँ फिर देखती हूँ किसी पार्लर में, मतलब जिनके नेल सैलून में, पूछती हूँ अगर किसी के पास भी जगह खाली होगी। ऑल्सो मैंने अभी देसी घी लगाया था एंड लुक एट माई लिप्स नाउ, इतने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। सो एंड अगर आपको कभी भी लगे कि आपके लिप्स बहुत चैप हो रहे हैं या फिर ऐसे ड्राई हो रहे हैं तो आप देसी घी लगा के देखना, बहुत फ़र्क करेगा। अच्छा ठीक है, बैक टू द टॉपिक कि नेल एक्सटेंशन बनाने का बहुत मन है बट देखते हैं, मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। ऑल्सो मेरे पास कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है इंडियन में, सो आई थिंक मैं वेस्टर्न ही डालूंगी। आई नो राखी है बट स्टिल मेरे पास कुछ भी नहीं है यार इंडियन ढंग का। आई नो ये वीडियो छोटी थी, आई ट्राई टू मेक लॉन्गर व्लॉग्स। होता ही है कि जो मेरे आजू बाजू लोग होते हैं ना वो इंटरेस्टेड नहीं होते आने में, सो मुझे होता है कि यार मैं उनको कैसे लाऊं बीच में, है ना, बिकॉज मैं जो भी व्लॉग करूंगी उसमें वो आएंगे। मैं कितना ये बता दूंगी कि अभी मैं ये खा रही हूँ, अभी मैं वो खा रही हूँ। एक वो दोस्तों वाला जो फन होता है ना व्लॉग में, वो मेरे दोस्त करना नहीं चाहते हैं तो मैं उनको जबरदस्ती भी नहीं करती। बट चलो कोई बात नहीं, कल वाला वीडियो, राखी वाला वीडियो आई विल ट्राई टू मेक अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि मेरे घर वाले जितना आना चाहेंगे मेरे व्लॉग में मैं जरूर लूंगी, आप लोगों को मिलवाऊंगी उनसे। अब मैं आपसे कल मिलूंगी, अभी खा लेती हूँ। अगर हल्दी वाला दूध पीऊंगी तो आपको डेफिनेटली बता दूंगी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ये सब तो आपको बताइए, वही रेगुलर जो होता है वही करना है। मैं आराम से खाती हूँ। और मैंने खाने में लिए राजमा, मसाला आलू और फुल्का, तो मैंने दो ली हैं। तो अगर मेरे को जल्दी पेट भर गया एक रोटी में ही तो मैं एक ही खाऊंगी, एक में पैक करके रख दूंगी। अगर नहीं भरेगा तो मैं दो खा लूंगी।